सभी मलिक मुर्रा लवर चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपके चॉइस के हिसाब से आप बोलते हो कि आप सेल की वीडियो नहीं डालते हो, तो पीछे हमने एक वीडियो डाली थी, उस पर आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था और कुछ लोगों के नेगेटिव कमेंट थे कि आपने इनके नंबर नहीं डाल रखे। मैंने तीनों बंदों के उस वीडियो में नंबर डाले थे, फसीउद्दीन फसी भाई का, इरफान भाई का कामा रेड्डी से और रिजवान भाई का, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की पता नहीं क्या आदत होती है अननेसेसरी बात करने की। चलो उसको छोड़िए, आज फिर हम उन तीनों मेरे तीनों फ्रेंड के पास दोबारा फिर तीन तीन भैंसें उन्होंने ली हैं और एक भैंस संदीप भाई है मेरे दोस्त अच्छे गुंटूर से, उन्होंने एक भैंस ली है 2,30,000 रुपये की, बहुत अच्छी भैंस है। और रेट मैं आपको बता दूँ, इस लोड के अंदर भी 1,40,000 से लेकिन और 2,50,000 तक की भैंसें जा रही हैं। अलग अलग भैंसों के अलग अलग रेट, वो बीच में बताते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। साथ में आपको बता दूं, ये जो वीडियो है ये मिल्की के बाद की वीडियो है, ये कोई दो टाइम का दूध रखे हुए की या उसकी नहीं है। तो ये सबसे पहले जो मेरे दोस्त हैं इरफान भाई कामारेड्डी से, डिकेन डेयरी फार्म उनका उन्होंने रजिस्टर्ड करवाया है, फार्म का नाम डिकेन डेयरी फार्म कामारेड्डी। तो उनके पास ये थर्ड लैक्टेशन की भैंस जा रही है जिसकी मिल्क कैपेसिटी लगभग 22 किलो के आसपास है, फीमेल काफ है और रेट प्रेजेंट ये 7 दिन की ब्याई है। फिलहाल इसमें 16 से 17 केजी दूध तैयार है प्योर ब्रीड के हिसाब से मुर्रा में। और दूध निकालने की बात कर ले भाई, ये आपको लोडिंग का सिस्टम मैं दिखा देता हूँ, लोडिंग कैसे किया जाता है, कैसे पशु कम्फर्ट रहे। ये नीचे तकरीबन 1/2 फुट के आसपास बाड़ू रेट डाला जाता है ताकि भैंसों में कोई स्लीपिंग ना हो। और ये आगे आगे आइएगा, ये आगे चेस्ट का अरसा लगा दिया जाता है, एक अलग छोटे काप के लिए अलग पार्टी, इधर देखिए छोटे काप के लिए स्पेशल पार्ट बना दिया जाता है ताकि भैंस का कोई पांव वगैरह काप पे न रखे। और बहुत सारा ऊपर आप देखिएगा, बहुत सारा सामान भी हो जाता है। ये सब काम इतना तरतीब वाइज किया जाता है, ऐसे सिस्टम से किया जाता है ताकि रास्ते में किसी भी एनिमल को कोई प्रॉब्लम ना आए और किसी काप को दिक्कत ना आए और वहां पे ये सारा सामान बड़े इजीली ढंग से पहुंच जाता है। ये काले चल चल सुनो, ये छोटे काफ को अगले पार्ट में अलग से डाला जाता है, 7 काफ आगे आएंगे और 3 काफ पीछे रह जाएंगे ताकि कंफर्ट रहे। पूरा सिस्टम इस तरीके से किया जाता है। चल मेरे फ्रेंड है संदीप भाई गुंटूर से, संदीप गुंटूर बहुत यूनिक फेलो है, बहुत बड़ा अडर प्योर मुर्रा, इसकी वीडियो आपने देखी भी थी, इसका वीडियो क्लिप आपने देखा था। ये वही भैंस है, इसकी मिल्क कैपेसिटी लगभग 24 से 25 किलो की है, अभी इसमें लगभग 20 किलो के आसपास दूध तैयार है और ये 10 दिन के आसपास की काविंग होगी। और काविंग उन संदीप भाई के सामने हुई थी, उसको पता है इसका आगे रियली में 10 दिन की काविंग है। आगे चलाओ बेटा, चलो एचएफ के जैसे ऑर्डर है इसके भैंस का ये। और काकातिया डेयरी फार्म फसुद्दीन फसी काकातिया डेयरी फार्म के ओनर हैं, जाने पहचाने चेहरे हैं वारंगल के, और बहुत अच्छी अच्छी 24-24 किलो की भैंस है। उनके फार्म पे भी 22-23 किलो दूध रहा है, ये भी 23 किलो के आसपास की भैंस है, सेकंड लैक्टेशन है, अभी इसमें भी 18 से 19 किलो दूध तैयार है और 9 से 10 दिन का काविंग है इसका जस्ट। छोटा सिंह आफ्टर मिल्किंग का ये वीडियो हम बना रहे हैं, खड़ा पिट्ठा, इससे भी एक्सपेक्ट है कि 23-24 लीटर लगी है दूध देगी जोटी। और काकातिया डेयरी फार्म फसीउद्दीन फसी हमेशा ही 20+ की भैंसें लेना पसंद करते हैं, रेट का कोई इशू नहीं होता, और उन्होंने ये प्रूव किया है कि वहां पे जाके भैंसें 22 से 23 किलो दूध देती हैं, तो उन्हीं में से ये एक फेलो है। वरंगल में ही रिजवान भाई की जोटी है सेकंड इलेक्ट्रेशन की, अभी ये 17 दिन की भी आई है और अभी इस जोटी में 20 किलो दूध तैयार है, दरमियाने कद की है, लोटा बहुत खुला, उधर से घुमा बेटा उधर से घुमा, लोटा बहुत खुला है इसका जोटी का, अभी मिल्किंग के बाद का अड्रेस इसका बहुत खुला पुट्ठा ले चल भाई। एचएफ जैसा रिंग सिंह एचएफ गलत हो गया एचएफ जैसा लोटा बिल्कुल रिंग सिंह और हाई हिल्डर पे फैलो। रिजवान भाई ने अभी 25 दिन पहले रिजवान भाई ने भी यहीं से लोड लिया था और उसी को देखते हुए फिर उन्होंने अभी इस लोड में 3 बेफेलो लिया है, तो ये तीनों ही बेफेलो इनका भी 18 से 20
प्लस की है ये, 20 प्लस की एस्पेक्ट 21-22 किलो दूध जोटी दे देगी। दूध निकालने के बाद लेवा देखो इसका। मिल्किंग के बाद गार्डर है ये और मुठिया थन है जोटी। फिर डिकेन डेयरी फार्म रोको बेटा, डिकेन डेयरी फार्म इरफान भाई की जोटी है, फर्स्ट लैक्टेशन की जोटी है। अभी इसमें तकरीबन 14 से 15 किलो दूध तैयार है और 9 डे का कावर है ये जोटी। इस जोटी से भी उम्मीद है फर्स्ट लैक्टेशन पे ये 1600 लीटर दूध दे सकती है। अभी ऑलरेडी इरफान भाई के पास पहले जो जोटी गई थी लोड में फर्स्ट लैक्टेशन की, वो वहाँ पे 16 लीटर दूध दे रही है कमरेडी में इरफान भाई के डिकेन डेयरी फार्म पे। डिकेन से दिन फसी भाई की बहस है, सेकंड लैक्टेशन है और अभी 6 दिन की ब्याई है ये। 6 दिन की ब्याई में अभी इसमें लगभग 17 से 18 लीटर दूध तैयार है। इस जोटी से भी उम्मीद है कि 20 प्लस ये जोटी दूध देगी। बहुत अच्छी कद काठ, रिंग स्विंग, हैवी बॉडी वेट, नीचे टीट का गैप बहुत अच्छा है और जेट ब्लैक बिल्कुल काफ है। मेल काफ है इसके साथ में, मेल काफ भी है, बहुत हैवी है। तो मोस्टली भैंसे 18 प्लस की हैं ये। ये फिर रिजवान भाई की जोटी है सेकंड इलेक्ट्रेशन की, फीमेल काफ के साथ है। अभी इसमें 14 लीटर दूध तैयार है और ये 6 दिन की काविंग है। इस जोटी से उम्मीद है कि 18 प्लस ये दूध देगी सेकंड इलेक्ट्रेशन में। 6 दांत में जोटी है। लेके चलिए बेटा आगे, बिल्कुल जेट ब्लैक, पतली गर्दन, पिट्ठा चौड़ा और रिजवान भाई की स्पेशल च्वाइस थी फीमेल काफ वाला हो, तो फीमेल काफ को थोड़ा सर्चिंग करना बहुत थोड़ा मुश्किल होता है, फिर भी बाई चांस चलो मिल गई। सेकंड इलेक्ट्रेशन की 7 दिन की ब्याई हुई है। अभी इसमें 15.5 से 16 लीटर दूध तैयार है और इस जोटी से भी अच्छी 18-19 किलो वरंगल में दूध दे, इतनी एक्सपेक्ट है। यहाँ पे 20 प्लस भी दे देगी क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रेशन में इस जोटी ने 16-16.5 किलो दूध दे रखे है, तो अच्छी प्रोडक्शन की जोटी है। चलो बैठा के दूध, मेल का बहुत हैवी मेल का है, अच्छी मिल्किंग है, मीडियम साइज है, मिल्किंग बहुत अच्छी, पिट्ठा बहुत चौड़ा है। अभी अडर एम्प्टी है दूध से, तो भैंस का जो श्रृंगार होता है वो अडर ही होता है, लेकिन दूध के निकालने के बाद में भैंस का थोड़ा श्रृंगार कम हो जाता है, लेकिन नेचुरली ये दूध देने की बहुत अच्छी जोटी है। तो आज का लोड हमारा कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताना, और इसमें तीनों भाइयों के हम फिर दोबारा इसमें नंबर देने की कोशिश करेंगे। थोड़ा लोडिंग के टाइम पर वर्क ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारी बातें छूट जाती हैं, तो आज का हमारा यही टॉपिक था सेल परचेज की भैंसे आप लोगों को दिखाने का। और धन्यवाद।